आज पीसीसी में शाम 4:30 बजे बैठक होनी है। दरअसल जयपुर शहर और जयपुर देहात कांग्रेस की बैठक है। वहीं प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पर्यवेक्षक ये बैठक लेंगे। तो ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे, जयपुर शहर, जयपुर देहात और साथ ही पर्यवेक्षक प्रभारी रंधावा के साथ बैठक इनकी लेंगे पीसीसी में। शाम 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब जयपुर शहर और जयपुर देहात कांग्रेस की बैठक होगी। तो ये दोनों ही जगह से कांग्रेसी आएंगे और तमाम कार्यकर्ता जुटेंगे, अपनी अपनी फीडबैक यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि कुछ समस्याएं भी यहाँ पर रखते लेखा जोखा भी हो। तो ये बेहद अहम जो है आज की बैठक 4:30 बजे पीसीसी में। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। योगेश जी, अब तो जो भी बैठकें होंगी वो अपने आप में खास होंगी चुनावों से पहले, लेकिन फिलहाल इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? पूरी तरह फीडबैक है एजेंडा और ठीक है जिस तरह का जी कह सकता है कि पूरी तरह जो मैं आगे चुनावी तैयारियों के लिहाज से बढ़ना है, लिहाज से पूरा जो का दौरा वो हमें देखने को मिलेगा। कहा जा सकता है कि तकरीबन क्योंकि पर्यवेक्षक सरकारिया शिक्षक बनाए गए हैं, इससे सरकारिया जो है के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, अंधावा के बेहद नजदीकी में वो गिने जाते हैं, लिया गया है तो वो बैठकों का दौर शुरू करेंगे। पर्यवेक्षक कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ आएंगे और जानेंगे कि जयपुर शहर और देहात अध्यक्षों तक लाया गया है तैयारी के साथ, ये कुंती लेने वाले हैं। जी चलिए, शुक्रिया योगेश जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो फीडबैक लिया जाएगा और पर्यवेक्षक जो हैं वो भी बैठक लेंगे जो कि बनाए गए हैं। अब उनके लिए भी अहम जिम्मेदारी है क्योंकि खुद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा उनके साथ होंगे। अब विधानसभा चुनावों से पहले जिस तरीके से लगातार कोने कोने में जाकर फीडबैक लिया जा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, प्रभारी हो और अब ये पर्यवेक्षक जो कि पीसीसी में आज खासतौर पर जयपुर देहात और जयपुर शहर की बैठक लेंगे।